बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर यूनिट 7 कर रहे हैं। आज हम उसमें करेंगे प्रेशर, प्रेशर की डेफिनेशन देखेंगे और फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर बात करेंगे। प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द फिज़िकल फोर्स एग्जर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। प्रेशर को उर्दू में दबाव भी कहते हैं। ये फिज़िकल फोर्स है जो कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर असरअंदाज होती है। द फोर्स अप्लाइड इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर यूनिट एरिया। ये जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं ये परपेंडिकुलर होती है, अमूदी होती है टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर यूनिट एरिया। यानी फोर्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। द इफेक्ट ऑफ फोर्स और थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। और जो इसका यूनिट है वो पास्कल होता है। 1 पास्कल इज 1 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वेयर। यानी फोर्स हम परपेंडिकुलर अमूदी है टू द एरिया। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। आपको पता है कि हमारी ज़मीन जो है, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी जो ज़मीन है वो एक हवा का उसके गिर्द कवर है, गलाफ है, जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट एक्सटेंड्स टू अ फ्यू 100 किलोमीटर्स अबव सी लेवल। इसका फैलाव तकरीब 100 किलोमीटर सतह समुंदर से ऊपर है। इसके मुख्तलिफ नाम हैं और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा की डेंसिटी कम होती जाती है। जस्ट एज सर्टन सी क्रिएचर्स लिव एट द बॉटम ऑफ ओशन, जिस तरह समुद्री मखलूकात जो है वो समुंदर की तह में रहती हैं, इसी तरह बिल्कुल हम वी लिव एट द बॉटम ऑफ अ लार्ज ओशन ऑफ एयर। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द जो है एक समुंदर है हवा का, जिसकी तह में हम रहते हैं। क्योंकि हम ज़मीन पे हैं तो हम ज़मीन से ऊपर कुछ किलोमीटर तक हवा जाती है। एयर इज़ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो मिक्सचर है, उसमें बहुत सारी गैसें हैं, जैसे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन की मकदार है और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ दूसरी गैसेस हैं। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ। तो एयर प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो सब पे असरअंदाज होता है। एयर प्रेशर इज़ द मेजर ऑफ द फोर्स विद विच एयर मॉलिक्यूल्स पुश ऑन अ सरफेस। ये असल में पैमाइश है उस फोर्स की जो एयर मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर डालते हैं। एयर प्रेशर इज ग्रेटेस्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ बिकॉज देयर इज मोर ऑफ द एटमॉस्फेयर अबव यू टू पुश डाउन ऑन यू। जैसे हम देखते हैं कि डेंसिटी ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म। जो डेंसिटी या कसाफत है हवा की वो एटमॉस्फेयर में यूनिफॉर्म या एक जैसी नहीं है। समुंदर की सतह पे हाई डेंसिटी है एयर की और जैसे ही जैसे हम ऊपर जाते हैं लो डेंसिटी है। इट डिक्रीजेज कंटिन्यूसली एज वी गो अप। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ज़मीन से ऊपर जाते हैं, तो हवा की डेंसिटी या कसाफत जो है वो डिक्रीज होती जाती है। इससे ये पता चलता है कि एयर प्रेशर इज़ डिपेंडेंट ऑन डेंसिटी। मोर डेंस एयर विल हैव अ हायर एयर प्रेशर, देर आर मोर एयर मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन स्पेस टू पुश डाउन ऑन यू। कसीफ हवा का दबाव ज़्यादा होगा क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो एक यूनिट एरिया में ज़्यादा होंगे। इसी तरह लेस डेंस एयर विल हैव अ लोअर एयर प्रेशर, देर आर फ्यू एयर मॉलिक्यूल्स टू पुश डाउन ऑन यू। क्योंकि कॉलम ऑफ एयर जो है वो प्रेशर डालता है यूनिट एरिया में, तो जैसे कम मॉलिक्यूल होंगे
कम कसावट वाली हवा के तो उसका प्रेशर या दबाव भी कम होगा। तो एयर प्रेशर इज अफेक्टेड बाय थ्री फैक्टर्स, एलिवेशन और एल्टीट्यूड, ऊंचाई या बुलंदी, दर्जा हरारत और टेम्परेचर, और वेटर वाटर कंटेंट और आबी बुखारात, या उसका पानी का मकदार कितनी है उसमें, आबी बुखारात कितने हैं। लोअर प्रेशर, लुक एट हाउ फ्यू एटम्स आर प्रेसिंग डाउन ऑन द गाय एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। आप देखेंगे जैसे एक पहाड़ी की चोटी पे हाई एल्टीट्यूड पे एक बंदा खड़ा है तो उसके ऊपर लोअर प्रेशर होगा क्योंकि हवा की डेंसिटी कम है। इसी तरह अगर आप देखें तो वो बंदा जो सी लेवल पे है वो उसके ऊपर हाई प्रेशर एक्ट करेगा। इसी तरह इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एयर प्रेशर, ठंडी हवा का दबाव ज़्यादा होता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल करीब होते हैं, और गर्म हवा का दबाव कम होता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। सो वार्म एयर इज़ लेस डेंस देन कोल्ड एयर, देयरफॉर वार्म एयर हैज़ अ लोअर एयर प्रेशर। इसी तरह इम्पैक्ट ऑफ वाटर कॉन्टेंट और ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी नमी को कहते हैं, मॉइस्ट एयर इज़ लेस डेंस देन ड्राई एयर एंड देयरफॉर हैज़ अ लोअर एयर प्रेशर। नमी वाली हवा कम कसीफ होती है, उसका दबाव भी कम होता है। कुरान रीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने बनाए हैं सात आसमान ऊपर नीचे, तुम्हें रहमान के निज़ाम तख्लीक में कोई खलल नज़र नहीं आएगा, ज़रा फिर निगाह उठाकर देख क्या तुझे खलल नज़र आता है। प्यारे बच्चों, हम जितने कवानीन पढ़ रहे हैं सारे कवानीन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमें चाहिए कि हम वो रब जिसने ये सारा कुछ तख्लीक किया उसको भी जाने। उसको जानने का बेहतरीन ज़रिया ये है कि कुरान जीत को तर्जमे के साथ पढ़ें, हमें पता चले हमारा रब कैसा है, वो किन चीज़ों से खुश होता है, किन चीज़ों से नाराज़ होता है। उसे राज़ी रखने की कोशिश करें, उसको वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से राज़ी हो जाता है, जैसे सच बोलना, एक दूसरे का ख्याल करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना। तो आज से कुरान तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू करें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, जो फ़ज़ाई दबाव है वो तमाम सिमतों में असर अंदाज होता है। इसकी मिसाल हम देखते हैं कि आपने कभी देखा होगा सोप बबल्स बनाए होंगे। सोप बबल्स एक्सपेंड टिल द प्रेशर ऑफ एयर इन देम इज़ इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब आप सोपी पानी को लेकर उसमें फूंक मारते हैं तो छोटे छोटे गोल मुख्तलिफ साइज़ के बबल्स बनते हैं। आपने कभी सोचा कि ये बबल्स जो हैं ये गोल क्यों होते हैं? वाई बबल्स आर स्फेरिकल इन शेप। ये इसलिए स्फेरिकल होते हैं कि इनके अंदर जो हवा होती है वो एक्सपेंड होना शुरू होती है आउटवर्ड्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम अ टाइनी स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि उसके चारों तरफ जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो उसको सराउंड कर रहा होता है, तो इसलिए ये राउंड होते हैं। एक और हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेक एन एम्प्टी कैन फिल विद वाटर एंड प्लेस इट ऑन अ हॉट प्लेट, या आपके पास अगर बर्नर है तो उसके पास ये कैन रखें उसके ऊपर, और जब वो गर्म हो जाएगा तो उसमें से स्टीम निकलनी शुरू हो जाएगी। आप इसको गर्म हाथ को एम्प्टी हाथ कैन को अपने नंगे हाथ ना टच करें, गर्म आपका जल सकता है। आफ्टर सम टाइम वाटर विल टर्न इन टू स्टीम, यानी कुछ अर्से गर्म हॉट प्लेट पे रहने से उसका जो पानी है वो भाप में तब्दील हो जाएगा, यानी लिक्विड चेंजेस इन टू गैस। और आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल फार अपार्ट होते हैं। अगर आप इस कैन को ठंडे पानी के प्याले में डालें, नाउ प्लेस दिस कैन इन अ बोल ऑफ कोल्ड वाटर, इट विल कोलैप्स बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे ही आप इसे ठंडे पानी में डालेंगे तो ये कोलैप्स हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है। एज द स्टीम कंडेंसेस इनटू वाटर, स्टीम जो है दोबारा वाटर में कंडेंस हो जाएगी। दिस लोअर्स द प्रेशर इनसाइड द कैन, ये कैन के अंदर प्रेशर को कम कर देगी एज़ कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड द कैन।
बाहर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तो इट डेमोंस्ट्रेट दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्टिंग ऑन द कैन फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसकी वजह से कैन जो है वो बिल्कुल पिचक जाएगा। एक और दूसरी जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है वो मिसाल है वैक्यूम क्लीनर की। एक वैक्यूम क्लीनर में एक ऊपर फैन होता है, फैन इन वैक्यूम क्लीनर लोअर्स प्रेशर इन इट्स बकेट। जब वो फैन जो है हवा को ऊपर खींचता है, जो बकेट होती है उसमें प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, और जो उसका जो इनटेक पोर्ट होता है उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हवा अंदर जाती है, और अंदर जाते हुए वो डस्ट और डर्ट जो मिट्टी के ज़र्रे होते हैं उनको भी अपने साथ ले जाती है, जिसकी वजह से एक फ़िल्टर लगा होता है। द डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल्स आर ब्लॉक्ड बाय द फिल्टर। वो फ़िल्टर में डस्ट पार्टिकल्स तो नहीं जा सकते, लेकिन एयर एस्केप आउट, एयर वहाँ से ऊपर चली जाती है, और इस तरह आपका वैक्यूम क्लीनर जो है वो मिट्टी और डर्ट को सक कर लेता है और एक्ट करता है। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।